सरदार भगत सिंह जी को बचपन में वो संस्कार दे दिए गए थे। छोटे काल में, बचपन के काल में अपनी गोदी में उठा करके भारत मां को आजाद कराने का संकल्प दे दिया गया था उनके कान के अंदर बोल करके, और उनके बोले हुए वो शब्द ही थे जिनके कारण से मात्र 23 वर्ष की अवस्था में उन्होंने इस देश का नेता बनने की नहीं सोची, इस देश में चुनाव लड़ने की नहीं सोची, इस देश में अंग्रेजों का भक्त बनने की नहीं सोची, इस देश में कोई अमीर बनने की नहीं सोची, उद्योगपति बनने की नहीं सोची, पैसा कमाने की नहीं सोची, नाम कमाने की नहीं सोची, केवल एक चीज सोची कि मैं इस देश को, ये देश बना पाऊं, इस भारत को भारत बना पाऊं। ऐसे परिवार के प्रपौत्र हमारे पौत्र आदरणीय भाई यादवेंद्र संजू जी से मैं चाहूंगा कि वे अपने मन के उद्गार को प्रकट करें कि उनको कैसा महसूस होता है जब उनके साथ में सरदार भगत सिंह जी का नाम जोड़ा जाता है। भाई यादवेंद्र जी। भारत माता की जय। मेरा अनुभव ये मानकर कि मुझे भगवान ने, कुदरत ने उस रक्त धारा से जोड़ा है जिसकी एक नहीं पांच पांच पीढ़ियों ने ना इंसाफी के खिलाफ मातृभूमि की सेवा करी है। जैसे अभी आदरणीय आर्य जी ने बताया अर्जुन सिंह जी के बारे में, यानी भगत सिंह जी के दादाजी के बारे में, मैं उससे दो पीढ़ियों और पीछे आपको लेके जाता हूँ। भगत सिंह जी के परदादा सरदार फतेह सिंह महाराजा रणजीत सिंह जी की फौज में जर्नेल हुआ करते थे, यानी सेनापति हुआ करते थे। ना इंसाफी के खिलाफ जब मुगल काल आता ताई हो गया हमारे देश में, उस समय उन्होंने संघर्ष किया। उसी तरह सरदार अर्जुन सिंह यानी भगत सिंह जी के दादाजी जो आर्य समाज से प्रभावित होकर रहे और पंजाब में आर्य समाज के संस्थापक सदस्यों में से एक रहे। भगत सिंह जी के एक और चाचा जी सरदार स्वरण सिंह मात्र 23 साल की आयु में अंग्रेजों ने उनसे कोलू के बैल की तरह जेल में काम कराया, ब्रिस्टल लाहौर की जेल में। और वो क्यों कराया? क्योंकि वो अंग्रेजों के जुल्म के खिलाफ अखबारों में लिखा करते थे। बहुत सारे उन्होंने ऐसे लेख लिखे अंग्रेजों के काले कानून के ऊपर जिसे पढ़कर भारतीय आंदोलित हो जाते थे, अपने हक के लिए खड़े हो जाते थे। अंग्रेजों ने उनसे जेल के अंदर कोलू के बैल की तरह काम कराया, मात्र 23 साल की आयु में उनका निधन हो गया। भगत सिंह जी के चाचा जी स्वरण सिंह, आप लोग मेरे सर पे ये पगड़ी देख रहे होंगे। हम हिंदुस्तान की किसी भी समाज से, किसी भी परंपरा से आते हों, किसी भी जाति से आते हों, किसी भी वर्ग विशेष से आते हों, हम सब भारतीय परंपरा के हिसाब से पगड़ी बांधते हैं और इस पगड़ी को हम लोग अपना ताज समझते हैं, अपनी गरिमा का प्रतीक और चिन्ह समझते हैं। पर एक काल ऐसा आ गया था, एक समय ऐसा आ गया था, अंग्रेजों द्वारा ऐसा लगान लगाया जा रहा था भारतीय किसानों के ऊपर, ये हमारा ताज, ये भारतीयों का ताज उनके पैरों तले रौंदे जाने के लिए मजबूर हो गया था। तब भगत सिंह जी के चाचा जी अजीत सिंह, उन्होंने एक नारा दिया था, पगड़ी संभाल, खड़ा हो, अपने हक को पहचान, अपने ताज को पहचान और खड़ा हो क्या इस अंग्रेजों के खिलाफ अपने हक को लेने के लिए। जिनसे अंग्रेज इतना भयभीत हो गए, उनको 40 साल का देश निकाला दे दिया। बात करते हैं भगत सिंह जी के पिताजी किशन सिंह जी, जो लाला लाजपत राय जी के साथ, फिर वही बात आती है, लाला लाजपत राय जो आर्य समाज से जुड़ा हुआ विचारधारा से चलते थे, उस विचारधारा पे चलते हुए अंग्रेजों से लोहा लेते रहे, और उसी तरह जैसे आपने कहा पीढ़ी दर पीढ़ी उनके अंदर संस्कार आते रहे, जिससे एक नौजवान भगत सिंह क्रांतिकारी शहीद आजम भगत सिंह बन गया। मैं बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं अपने आप को कि कुदरत ने मुझे उनका वंशज बनाया है, उस रक्त धारा के साथ जोड़ा है। पर मानिया अरे जी, मेरा ये भी मानना है कि शहीद आजम भगत सिंह जी का मैं कोई अकेला वारिस नहीं हूं, सारा का सारा हिंदुस्तान उनका वारिस है, सारा हिंदुस्तान उनका वंशज है, और सच्चा वारिस और सच्चा वंशज वही है जो इस भारत माँ के लिए कुछ अच्छा कार्य करेगा, अपने समाज की उन्नति के लिए अच्छा कार्य करेगा, वो कहलाने का हकदार है कि हाँ मैं भगत सिंह का वंशज हूँ। हाँ, मैं उस व्यक्ति का वंशज हूँ जिसके सामने एक ऑप्शन थी, वो चाहे तो ये आज़ादी का लड़ाई का रास्ता छोड़ दे और अंग्रेजों के साथ मिल जाए, पर नहीं, उन्होंने तो आर्य समाज से गुड़ती ली हुई थी, उनको अपना सर कटाना मंजूर था पर झुकाना मंजूर नहीं था, उनको अपनी माँ भारती की गुलामी की बेड़ियां तोड़नी थी। तो उस परिवार के साथ मेरा नाता जुड़ता है तो अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ। पर आज ये भी अनुभव करता हूँ, जो आज़ाद हिंदुस्तान भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, मदनलाल ढींगरा, 19 साल के करतार सिंह सराबा मेरे को और आपको दे गए हैं, इतनी कीमती चीज़ आज़ादी जैसी चीज़, क्योंकि एक वक्त ऐसा था अगर अपने हक की बात करते थे तो हमें गोली मिलती थी, फांसी का फंदा मिलता था, काला पानी की सजा मिलती थी जहां से लौट कर आना भी असंभव होता था।
आज आपके और मेरे पास बहुत कीमती चीज आजादी है, हम अपने हक की बात कर सकते हैं, हमें क्या अच्छा लगता है उसकी बात कर सकते हैं, किसी बात का विरोध भी कर सकते हैं। आज आजादी तो हमारे पास आ गई, पर कहीं ना कहीं मैंने ये देखा जो वो आजाद हिंदुस्तान बनाना चाहते थे शायद हम नहीं बना पाए, और कहीं ना कहीं हमारी कहीं चूक हो गई है कि हम 70 साल में दोबारा कोई भगत सिंह भी नहीं बना पाए हैं। एक उद्देश्य को लेके चलता हूं, अगर एक आप पंक्तियां बोलने का मुझे मौका दें, जो मेरे मन का भाव है जिसको लेके शहीद भगत सिंह ब्रिगेड का निर्माण किया गया है, वो शब्द आपके सामने रखना चाहूंगा। मैं अमर शहीदों का चरण उनके गुण गाया करता हूं, मैं अमर शहीदों का चरण उनके गुण गाया करता हूं, जो कर्ज राष्ट्र ने खोया है मैं उसे चुकाया करता हूं। ये सच है या शहीदों की हम लोगों ने दफनाई है, ये सच है या शहीदों की हम लोगों ने दफनाई है, ये सच है उनकी लाशों पर चलकर आजादी आई है, ये सच है उनकी लाशों पर चलकर आजादी आई है, ये सच है हिंदुस्तान आज जिंदा उनकी कुर्बानी से है, ये सच है अपना मस्तक ऊंचा उनकी बलिदानी कहानियों से है। वह अगर ना होते तो भारत मुर्दों का देश कहा जाता, वह अगर ना होते तो भारत मुर्दों का देश कहा जाता, जीवन ऐसा बोझ होता जो हमसे ना सहा जाता। ये सच है दाग गुलामी का उन्होंने लहू से धोया है, ये सच है दाग गुलामी का उन्होंने लहू से धोया है, हम लोग बीज बोते हैं उन्होंने धरती में मस्तक बोया है, हम लोग बीज बोते हैं उन्होंने धरती पे मस्तक बोया है, इस पीढ़ी में उस पीढ़ी का मैं भाव जगाया करता हूं, मैं अमर शहीदों के चरण उनके यश गाया करता हूं। इसी सोच के साथ कार्य करता हूं, ये जिम्मेवारी अपने ऊपर अनुभव करता हूं, ये विचार और ये सोच लेके चलता हूं। तो यादवेंद्र जी, आज के नौजवानों को संदेश दें कि सरदार भगत सिंह जी किस विचारधारा में पले थे और आज किस विचारधारा की इस देश को जरूरत है। माननीय आर्यवर जी, जो आपका सवाल है उसका अभिप्राय और इसका निष्कर्ष मैंने ये निकाला है कि जो हमारा इतिहास होता है वो हमारी रीढ़ की हड्डी के समान है जिसके ऊपर हम लोग खड़े होते हैं। जैसे एक मनुष्य की रीढ़ की हड्डी अगर कमज़ोर हो जाए तो खड़ा नहीं हो सकता, गिर जाता है, उसी तरह हमारे देश का इतिहास हमारी रीढ़ की हड्डी के समान है। मैं मानता हूँ शायद हमसे कमी यहाँ हो गई जब हमारी को आज़ादी मिली, हम उसका जश्न मनाते हुए जिस दिन हमने अपने स्कूलों के अंदर ये गाना बजा दिया कि दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल, मेरे ख्याल से हमने वहीं पे ही नौजवान पीढ़ी को ये एहसास दिला दिया ये आज़ादी जो तुम्हें प्राप्त हुई है ये कोई खैरात में मिली थी, इसके लिए शायद एक या दो दिन का अनशन करना पड़ गया तब जाके तुम्हें ये आज़ादी मिल गई। शायद हम आने वाली पीढ़ी का या जो भारत का उन वीरों के साथ वो नाता नहीं जोड़ पाए जिन्होंने हंसते हुए 23 साल 24 साल की जवानी कुर्बान कर दी थी, जिनके पास ऑप्शन थी मैंने जैसे बताया कि वो चाहे तो ये रास्ता छोड़ दें और ऐशो आराम की जिंदगी बिताएं अंग्रेजों के साथ मिलकर। क्योंकि देखिए, जब जब युवा जागा है देश का संकट भागा है, उस समय के नौजवान जागे और एक साम्राज्य जो कहा करता था हमारे राज्य में सूरज नहीं डूबता, उस सूरज को भी डुबो के दिखा दिया अपने लहू की तपिश के साथ। तो मेरा मानना यह है कहीं ना कहीं हम आने वाली पीढ़ी का उनके साथ नाता नहीं जोड़ पाए। आप ही के शब्दों में नौजवान कहता है मैं क्या करूं, आज हर कोई हिंदुस्तानी कहता है भगत सिंह हो, हम सब कहते हैं भगत सिंह दोबारा आ जाए, हम गीत लिखते हैं अपने विचारों में उनको उकेरते हैं, पर कहीं ना कहीं हमने ये धारणा भी बना दी है समाज के अंदर, या समाज ऐसा भी बोलने लग गया है मन की बात कि भगत सिंह तो आए पर पड़ोसी के घर पे आए, भगत सिंह मेरे घर ना आए, क्योंकि जब भगत सिंह की बात करेंगे तो बात त्याग की होगी, बात बलिदान की होगी, बात सत्य की होगी, बात इंसाफ की होगी। तो इस तरह की एक सोच हमारे देश में डालते जा रहे हैं, इतना कमर्शलाइज हमारे युवाओं को किया जा रहा है। जहां बात आती है इस सोच को, एक मैंने प्रयास किया कि ये धारणा को कैसे तोड़ा जाए, नौजवानों को कैसे इन भगत सिंह के साथ दोस्ती कराई जाए, इन क्रांतिकारियों के साथ इनका परिचय कराया जाए। हमने दो प्रयास करे, एक बार दिल्ली के अंदर द्वारका के अंदर करा 21 अक्टूबर 2018 को, और एक प्रयास किया 10 अगस्त 2019 चरखी दादरी के अंदर। हमने कहा इस सोच को बदला जाएगा, युवाओं को साथ मिलाते हैं। हमने कहा मैं बनूंगा भगत सिंह, एक कार्यक्रम हमने किया मैं बनूंगा भगत सिंह। जैसे हमने भगत सिंह जी के दो स्वरूप ज्यादा देखे हैं, एक हैट वाला एक पगड़ी वाला, जैसी पगड़ी आप मेरे सर पे देख रहे हैं तो उस तरह की पगड़ी के स्वरूप में हमने नौजवानों से कहा कि आपको उस तरह की पगड़ी बांध के आनी है इस पीले रंग के बसंती रंग में, और एक सफेद रंग की शर्ट पहन के एक जगह पे सामूहिक रूप से इकट्ठा होना है, और जो भारत माता
70 साल से एक भगत सिंह का इंतजार कर रही है, उसको दूर करने के लिए आपको आगे आना पड़ेगा, ये संकल्प लेके कि मैं बनूंगा भगत सिंह। और आप मानिए, वहां पे 100 नहीं, 200 नहीं, वहां पे दिल्ली के अंदर जब हमने पहला ये प्रयोग किया, 5000 युवा इकट्ठा हो गया दिल्ली के साहब सिंह वर्मा द्वारका स्टेडियम के अंदर। ये एक विश्व रिकॉर्ड बना, और दोबारा इसी विश्व रिकॉर्ड को किसी और ने नहीं, शहीद भगत सिंह ब्रिगेड के नौजवानों ने तोड़ा, इस भारत के नौजवानों ने तोड़ा। चरखी दादरी के अंदर आप मानिए 5000 से आप लोग सोच रहे होंगे शायद 8000 हो गए होंगे, 10000 हो गए होंगे, पर नहीं, 10 अगस्त 2019 चरखी दादरी की धरती, हरियाणा की धरती गवाह है, वहां पे 25000 युवा इकट्ठा हो गया इस तरह की पगड़ियां बांध के कि मैं हूं भगत सिंह, मेरे में है भगत सिंह, जो भारत मां ढूंढ रही है। तो एक हमने प्रयास किया। इसी तरह कई बार केरला में पथ भ्रष्ट हमारे नौजवान हो रहे हैं, इसकी कमी हमने कर दी गई है। हमने हिंदुस्तान के अंदर हर तरह का संग्रहालय बना दिया है, दिल्ली के अंदर आपको हर तरह का संग्रहालय मिल जाएगा, रेलवे का संग्रहालय मिल जाएगा, डॉल म्यूजियम मिल जाएगा, हर तरह के म्यूजियम मिल जाएंगे, पर हमारे देश के अंदर एक भी राष्ट्रीय शहीद संग्रहालय नहीं है। हमारे दिल्ली की राजधानी के अंदर एक भी राष्ट्रीय शहीद संग्रहालय नहीं है जहां पे जाके हमारी आने वाली पीढ़ी या वर्तमान पीढ़ी कम से कम जाके अनुभव तो कर सके। मैं चाहता हूं ऐसा संग्रहालय बनाया जाए। पंजाब में कौन शहीद हुआ उसकी जानकारी कश्मीर वाले को भी मिले, कश्मीर में कौन शहीद हुआ उसकी सूची की जानकारी राजस्थान वाले को मिले, राजस्थान का बलिदान कलकत्ता वाला जाने, कलकत्ता का केरला वाला, केरला का मध्य प्रदेश। यानी हमें आजाद कराने के लिए, जैसा इतिहासकार बताते हैं और जैसे अमित भाई ने भी आपको कहा, कोई 100 या 1000 नहीं, 7 लाख के करीब लोग शहीद हो गए हैं। तो उनकी सूचीबद्ध तरीके से अगर एक संग्रहालय बनाया जाए जहां पे कश्मीर का नौजवान भी जाए, बिहार का नौजवान भी जाए, छत्तीसगढ़ का भी जाए जहां नक्सल लाइट एरियाज है वहां का भी जाए, केरला का भी जाए, उसको दिखे जो आज ये हिंदुस्तान खड़ा है, इसको बनाने के लिए हर प्रांत, हर भाषा, हर वर्ग के इंसान ने कुर्बानी दी है, तो ये आज जो इकट्ठा हिंदुस्तान खड़ा है उसको बचाए रखने की जिम्मेवारी उसकी भी बनती है। धर्म जात पात के नाम पे, प्रदेश के नाम पे, लड़ाई झगड़ों पे ना पड़े, अपने एहसास को समझे, जो उसके पूर्वज उस पर उपकार कर गए, उपकार अपने प्राणों का उपकार। आप किसी इंसान से कहेंगे सबसे कीमती चीज क्या है, कोई कह देगा रुपया, कोई कह देगा जमीन जायदाद, पर वो होती है उसकी जान, जो हंसते हुए इन्होंने कुर्बान कर दी थी मेरे लिए, हिंदुस्तान के लिए। तो आज हमारा भी फर्ज बनेगा अगर ऐसा संग्रहालय बनाया जाए कि वहां पे जाके हमारी पीढ़ी उसका अनुभव कर सके। 116 दिन की भूख हड़ताल भगत सिंह जी और क्रांतिकारियों ने जेल के अंदर करी थी, आपको ऐसी मिसाल कहीं नहीं दिखेगी। आपने उनकी माता जी का जिक्र किया, माता जी को कह रहे हैं, आप हौसला देखिए उनकी माता जी को, वो क्या कह रहे हैं, मां मेरी लाश को लेने तुम मत आना, तुम कहीं जेल में आ गई और रो पड़ी तो लोग कहेंगे देखो भगत सिंह की मां रो रही है, तुम कुलबीर को भेज देना, मैं नहीं चाहता लोग कहें भगत सिंह की मां रो रही है। आप उनकी माता जी की हिम्मत देखिए, हौसला देखिए, वो क्या कह रही है अपने बेटे को, भगत सिंह तेरी मां नहीं रोएगी, भगत सिंह की मां नहीं रोएगी, पर हां बेटा भगत, जब मैं लाहौर सेंट्रल जेल के बाहर खड़ी हूं तो तेरे इनकलाब जिंदाबाद की आवाज मुझे वहां तक सुनाई देनी चाहिए, वहां तक। और साथियों, इनकलाब का मतलब होता है बदलाव, ऐसा बदलाव जो सबके लिए, सबके लिए सार्थक हो। इसी तरह के प्रयास में भगत सिंह जी ने अपनी जेल डायरी में लिखा है, आई एम अ मैन एंड ऑल दैट इफेक्ट्स मैनकाइंड दैट कंसर्न्स मी, मैं एक मनुष्य हूं, ऐसी कोई भी चीज जो मानवता को नुकसान पहुंचाती है मुझे उससे मतलब है, और यही मतलब जहां तक मैं आर्य समाज को जाना हूं, जहां तक मैं आर्य समाज को पढ़ा हूं, यही आर्य समाज का भी मूल बात है। जहां पे भी मानवता को बाधित करने वाली कोई चीज होगी, नुकसान पहुंचाने वाली चीज होगी, उसके साथ आर्य समाज से जुड़े हुए हर आर्य समाजी का मतलब है। तो इसी चीज को मैं सिद्ध करके आगे चलना चाहता हूं। मैं कहता हूं दिल्ली के अंदर संग्रहालय बनाया जाए, आज इतना अच्छा मंच मिला है, आर्य समाज की आवाज कहीं नहीं, पूरे हिंदुस्तान के विश्व में सुनाई दी जाती है। आज इस मंच के माध्यम से अगर हम मांग करें कि एक राष्ट्रीय शहीद संग्रहालय का निर्माण, मैं कहता हूं अगर भारत सरकार नहीं बना सकती, मैं कहता हूं अगर उनको लगता है कि उनके पास इतना रिसोर्स नहीं है कि वो लोग, ये सरकार ये नहीं बना सकती, तो मैं आपके आर्य समाज के दिए हुए सिद्धांतों को साक्षी रख के, आप लोगों के दिए हुए आशीर्वाद को साक्षी रख के कहता हूं, एक बार भारत सरकार बना कर दे कि हम लोग शहीद संग्रहालय नहीं बना सकते, मैं आपसे वादा और दावा करता हूं ऐसा शहीद संग्रहालय बना के दिखा दूंगा कि लोग ताजमहल बाद में जाएंगे, हमारा राष्ट्रीय शहीद संग्रहालय देखने हिंदुस्तान में पहले आके रुका करेंगे, और अपने घर में जाके, अपने देश में जाके बताएंगे हिंदुस्तानियों से सीखो कैसे अपने पूर्वजों को याद किया जाता है, कैसे उन्होंने अपनी कुर्बानियों को सजो के रखा हुआ है। ये प्रयास करना चाहता हूं, ऐसा हिंदुस्तान बनाना चाहता हूं, भगत सिंह का हिंदुस्तान बनाना चाहता हूं, वो हिंदुस्तान जहां पे पहली पंक्ति से खड़े अंतिम पंक्ति वाले को भी उसका हक मिले, उसका अधिकार मिले। आप सहमत होंगे, वो सिर्फ सत्ता से नहीं लड़ना चाहते थे,
वो व्यवस्था को भी बदलना चाहते थे, तो उसी प्रयास में लगा हुआ हूँ। हिंदुस्तान के अंदर एक और बात आपको बताता हूँ, शहीदों की एक भी वैधानिक सूची नहीं है। हमारे देश में गांधी मूवमेंट में जिन्होंने योगदान दिया उनको हमने ताम्रपत्र दिया, उनको देना भी चाहिए था, वो उनका तरीका था अपने देश की आज़ादी के लिए। पर हमारे देश के अंदर एक भी राष्ट्रीय शहीदों की, जैसे भगत सिंह जी, राजगुरु, सुखदेव, या जितने भी हमारे शहीद हुए उनकी कोई भी एक सूची नहीं है, जिसकी वजह से कम्युनिस्ट माइंडसेट या गलत मानसिकता वाले कई बार दिल्ली यूनिवर्सिटी किताबों के अंदर उनको आतंकी तक भी पहचान बना देते हैं। मैंने आरटीआई लगाई थी 2013 में, जवाब मिला था भारत सरकार से, पूछा था भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को कब शहीद का दर्जा दिया, जवाब मिला हमारे पास कोई दस्तावेज नहीं है जिससे हम इनको शहीद कह सकें। तो शायद यहीं कहीं हम चूक कर गए, शायद हमारे घरों के अंदर भगत सिंह का चित्र लगना रुक गया, शायद हमारे घरों के अंदर चंद्रशेखर आजाद का चित्र रुकना रुक गया, महाराजा शिवाजी महाराज का चित्र रुकना रुक गया, महर्षि दयानंद जी का चित्र रुकना रुक गया। आज के चित्र क्या आ गए हैं, बॉलीवुड सितारों के, और उनके क्या हकीकत है आजकल हम न्यूज चैनलों पर देख भी रहे हैं। तो मैं कहूंगा सच्चे आइकॉन्स के साथ पर जुड़े। राम प्रसाद बिस्मिल जी का जिक्र हुआ, वो राम प्रसाद बिस्मिल जिनको जेल के अंदर जब रखा गया, अनुमान जेल में कोई व्यक्ति रहता है तो उसका वजन तोला जाता है, और जब उनकी फांसी की तिथि तारीख निर्धारित कर दी गई और उनको फांसी के तख्ते पे ले जाया गया और दोबारा उनका वजन तोला गया, वो वजन 12 किलो बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? उनमें एक खुशी थी कि मैं भाव आरती के लिए कुर्बान होने चाह रहा हूं। ऐसे ऐसे नायक, नहीं तो कईयों को फांसी की सजा होती है, जेल डालने का नाम ही आता है तो वो डर जाते हैं, उनकी नींदें उड़ जाती है। तो मैं उम्मीद करूंगा अगर हम राष्ट्रीय शहीद संग्रहालय और देश का इतिहास ठीक कर लेंगे तो वर्तमान और भविष्य अपने आप अच्छा हो जाएगा। मेरा तो ये मानना है जिन सब बातों का ये तोड़ है इसका नतीजा अच्छा निकलेगा।